आज का दिन तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, तो आज मेरी हालत ख़राब होने वाली है। सिर्फ मैंने 3 घंटे की नींद ली है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बिकॉज़ कल पूनम थी और मैं भूल गया था कि कल पूनम है और शाम को मुझे कुछ भी काम करने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं 11 बजे फ्री हुआ और फ्रेश फ्रेश होकर 12 बजे मैं एडिट करने बैठा। 1 बजे मेरा एडिटिंग ख़त्म हुआ और अभी मैं 4:30 का उठा, लेकर ब्रश और मुँह धो के 4:40 इतना हो गया। ये सारा राम जैम और स्पीकर इसलिए बारे बिकॉज कल पूनम थी और प्रॉपरली व्लॉग मैंने एंड भी नहीं किया, इतना मैं थक गया था। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले काम पे बैठते हैं। 20-30% काम हो गया और थोड़ा बहुत काम बाकी है और अभी सिर्फ 5:30 बजे और मेरे 30% जितना काम हो गया है। तो सोचो अगर मैं 5:30 बजे उठता तो 6:30 बजे तक मेरा 30% काम होता और वो 1 घंटा मैं किसी भी काम को करने के लिए दे सकता हूँ। मेरे पूरे 24 घंटे में, जैसे कि हो गया बुक रीडिंग, हम लोग बीच में चर्च गेट गए थे तो बुक देख रहे थे, तो प्रियल ने मुझे ये बुक सजेस्ट की, शो योर वर्थ। तो अभी इसका उद्घाटन करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये देखो इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर है, आपको दिख रहे होंगे, तो मे भी उल्टा दिख रहा है तो पता नहीं। अगर आप लोग को भी बुक पढ़ने का शौक है तो रोज़ 1 घंटा या फिर आधा घंटा बुक रीडिंग को दो, क्योंकि वो सेल्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो, यूट्यूब वीडियोस और वो सब हो, लेकिन जो पढ़ने से नॉलेज मिलता है वो किधर से भी नहीं मिलता। तो बुक रू बच गया, बहुत गंदा बचा, वरना और मैं थोड़ा खींचता ना मेरा फ़ोन पूरा नीचे गिर जाता ट्राईपॉड के साथ। आज ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा ईजी हो गया ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो बस चलो अभी थोड़ा बहुत आपसे बात भी कर ली, थोड़ा बहुत काम भी हो गया, अभी वापस काम पे फोकस कर दे, वापस बात करना तो, बिकॉज मुझे 6:30 बजे देरा सर जाना है पूजा करने के लिए। तो 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटे में मुझे और 40-50% का काम ख़त्म करना है। छः बज के 40 मिनट हो गए और मेरा 90% काम हो गया, सिर्फ 10% काम बाकी है, वो भी सिर्फ थंबनेल्स बनाना बाकी है, बस सब कुछ हो गया। और जल्दी जल्दी मैंने ब्लॉग को स्केड्यूल किया ही नहीं था, डर और पब्लिक हो गया। मुझे 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई ब्लॉग पब्लिक हो गया, तो फिर फटाफट उसको फिर स्केड्यूल किया। और अच्छा, बस सिर्फ 2-3 जन नहीं देखे थे तो ठीक है। यार ये बारिश चली और बारिश में मुझे नीचे जाने को कंटाला आ रहा है यार, क्या करे। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो कोई नहीं, चलो अभी छाता लेके जाते हैं। आज छाता यूज़ होगा, कल ऐसे ही पकड़ के गया था, आज यूज़ करेंगे छाता। चलो मैं आता हूँ, आज फोन मैं घर पे छोड़ के जाता हूँ। चलो भाई मस्त पूजा करके आ गया, 7:45 बज गए, 15 मिनट लगी और बारिश थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत बूंदे ही थी। चलो चेंज करता हूँ, फिर चाय नाश्ता करते और बस भाई ऑफिस के लिए निकलना। जब सुबह उठते हैं ना तब इतना नींद आता है, लेकिन जब लंच करते हैं उसके बाद जो नींद आता है ना भाई, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही इलाज, यही वो दवाई है जिससे हमारी दोपहर की नींद खुलेगी। यस साढ़े 8 बज गए और मैं घर पे आ चुका हूँ ऑफिस से। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई मेरे से, मैंने आपको बताया था कि व्लॉग सुबह का पब्लिक हो गया था, लेकिन फिर मैंने स्केड्यूल कर दिया, लेकिन दोपहर को भी एक इशू हो गया था, तो उसके वजह से व्लॉग दोपहर को मैंने डाला नहीं और प्राइवेट कर दिया। अब भी रात को 9 बजे डालने का सोच रहा हूँ, घड़ी यहाँ पे, वहाँ पे क्या देख रहा हूँ, अभी मैं आधे घंटे में व्लॉग डालने का सोच रहा हूँ। तो फटफट अभी जस्ट आया मैं, देखो जस्ट ऐसे कपड़े चेंज किए और अभी व्लॉग बनाना चालू कर दिया। और ज़्यादा व्लॉग में बड़े नहीं रख रहा हूँ, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रख रहा हूँ कि आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। और भी मैं फटफट व्लॉग अपलोड कर देता हूँ। चलो मिलते हैं कल सुबह।